और वही है जो जिंदगी बख्शता और मौत देता है, और रात और दिन का बदलते रहना उसी का तसर्रुफ है। क्या तुम समझते नहीं? बात यह है कि जो बात अगले काफिर कहते थे उसी तरह की बात ये कहती हैं। कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों के सिवा कुछ ना रहेगा तो क्या हम फिर उठाए जाएंगे? ये वादा हमसे और हमसे पहले हमारे बाप दादा से भी होता चला आया है। अजी ये तो सिर्फ अगले लोगों की कहानियां हैं। कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि जमीन और जो कुछ जमीन में है सब किसका माल है? झट बोल उठेंगे कि अल्लाह का। कहो कि फिर तुम सोचते क्यों नहीं? इनसे पूछो कि सात आसमानों का कौन मालिक है और अर्श अजीम का कौन मालिक है? बेसाख्ता कह देंगे कि ये चीजें अल्लाह ही की है। कहो कि फिर तुम डरते क्यों नहीं? कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबिल कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता? फौरन कह देंगे कि ऐसी बादशाही तो अल्लाह ही की है। कहो कि फिर तुम पर जादू कहां से पड़ जाता है? बात यह है कि हमने इनके पास हक पहुंचा दिया है और ये जो बुतपरस्ती किए जाते हैं बेशक झूठे हैं। अल्लाह ने न तो किसी को अपना बेटा बनाया है और न उसके साथ कोई और माबूद है। ऐसा होता तो हर माबूद अपनी अपनी मखलूकात को लेकर चल देता और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। ये लोग जो कुछ अल्लाह के बारे में बयान करते हैं अल्लाह उससे पाक है। वो पोशीदा और जाहिर को जानता है, और मुशरिक जो उसके साथ शरीक ठहराते हैं उसकी शान उससे बुलंद है।